किसानों की गेहूं की फसल पर मड़ोसी में बथुआ रूपी खरपतवार का बढ़ता प्रकोप परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र के किसान खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे कर मड़ोसी को नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धुंध और नमी के चलते किसानों को खेत में मड़ोसी पर इनका भी ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को इस बात का डर है कि अगर मड़ोसी उनकी फसल से पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई तो इसका बुरा प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ेगा। पहले तो खाद को नहीं मिली, फिर ये बथुआ के कारण ये फसल में बढ़वार को नहीं होती, धुंध के कारण खराब हो जाए, उसपे असर नहीं होता, कहने का ना असर नहीं होता जी कुछ। जो किसान है पूरे साल मेहनत करता है, इसी पे डिपेंड होता है फसल के ऊपर, इसी पे है जी वर्क के। हाँ जी, खाद नहीं मिली, खाद मिली तो यो बथुआ नहीं मरिया, ठीक है ना। गौर नमी के कारण को नहीं हो रहा सर, हमारी फसल खराब होने लग रही है। जहाँ तक बात है ये कि भाई ये कोई बीमारी नहीं, असल में ये खरपतवार है, जो मंडूसी है, जो ये एक गेहूं का खरपतवार है, तो इसके लिए आजकल सिफारिश है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसान भाई, सिर्फ एक ही चीज की कमी मैं देखता हूँ, किसान भाई जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा सिफारिश शुदा केमिकल है, जो भी हमारे रसायन है सिफारिश शुदा, अगर उनका प्रयोग करते हैं। और दूसरी जो बात है, जो हमारी सिफारिश है, जैसे मैं मोटे तौर पर बताऊं आपको, टोपी का हमारी, इसके द्वारा आप प्रयोग करके आप इसको जो मंडूसी हमारा जो खरपतवार है उसको आप बड़े आराम से खरपतवार नाशक को इसको प्रयोग करके कंट्रोल कर सकते हो। जहां तक समस्या की बता रहे हो कि आप कि भाई किसान कह रहे कि धुंध वगैरह बढ़ रही है, तो इसकी वजह से वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।